वोटिंग से पहले पलटी बाजी। पहले चरण में एनडीए और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर। फासला सिर्फ इतना, सर्वे ने चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण में मतदान 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में मतदान 26 अप्रैल को और तीसरे चरण में 7 मई को और चौथे चरण का मतदान 13 मई को, पांचवें चरण का मतदान 20 मई को, छठे चरण का मतदान 26 मई को, सातवें चरण के अंतिम चरण के मतदान 1 जून को संपन्न कराया जाएगा। इसी के साथ देश भर में मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। इसके साथ ही हमें ये पता लगा है कि देश में अगली सरकार किसकी बन रही है। आइए जानते हैं सबसे बड़े ओपिनियन पोल के बारे में। बता दें कि पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन 20 मार्च 2024 को जारी होगा, यानी कि हो गया है। इसी के साथ इस चरण में उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख 27 मार्च। वहीं बिहार में पहले चरण का नामांकन 28 मार्च तक किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी। बिहार में ये 30 मार्च को होगी। इसी के साथ नामांकन की वापसी 30 मार्च तक किए जा सकते हैं। वहीं बिहार में पहले चरण के नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 2 अप्रैल है। यहां शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा और मतगणना 4 जून 2024 को होगी। पहले चरण के दौरान कुल 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश के 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर और मेघालय की 2, मिजोरम और त्रिपुरा, अंडमान व निकोबार द्वीप में, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पौंडीचेरी, सिक्किम और नागालैंड में 1-1 और राजस्थान की 12, तमिलनाडु की सभी 39 सीटें और उत्तर प्रदेश की 8 और उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3 और लोकसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। और आपको सभी यानी कि अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों, असम की 5 सीटों, बिहार की 4 सीटों, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 6 सीट, महाराष्ट्र की 5 सीट, मणिपुर, मेघालय की 2-2 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पौंडीचेरी, सिक्किम, नागालैंड में किन किन सीटों पर ओपिनियन पोल आया है और राजस्थान की 12 सीटों का भी ओपिनियन पोल आपको बताने वाले हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों का भी ओपिनियन पोल बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, उत्तराखंड की 5 सीटों पर किसकी जीत होने वाली है, पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। आइए जानते हैं पहले चरण की 21 राज्यों की 102 सीटों के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों समेत 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको आपकी स्क्रीन पर बताया जाएगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं सभी 21 राज्यों के पहले चरण में कहां कहां और किस राज्य में किस जिले में होगी वोटिंग और ओपिनियन पोल के मुताबिक किसे कितनी सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है। दोनों ही लोकसभा सीट पर बीजेपी का यहाँ पर कब्जा हो सकता है। बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। असम राज्य की 15-5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी, यानी कि 19 अप्रैल को 5 सीटों पर असम की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और पांचों की पांचों लोकसभा सीट पर एनडीए यहां पर अपना कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। बिहार राज्य की, जी हां दोस्तों, 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीट का चुनाव होगा और इस चुनाव के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहां पर 3 पर एनडीए, इंडिया अलायंस का तमें 1, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। चलिए दोस्तों यहां बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण में मतदान होगा और यहां पर 1 ही सीट एनडी को मिल सकती है। अब तक की 543 सीटों में से 12 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। पहले चरण के मुताबिक एनडी को 11 सीटें, इंडिया अलायंस का तमें 1 सीट और अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की, जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण में वोटिंग होगी और यहां पर एनडी को कब्जा मिल सकता है। 6 सीटों पर इंडिया अलायंस का तमें 0, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट। महाराष्ट्र राज्य की, पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और एनडीए खाते में 4 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं
मणिपुर राज्य की दो लोकसभा सीट है, दो में से एनडीए खत्म है, एक इंडिया अलायंस खत्म है, एक सीट अदर पार्टी खत्म है, 0-0 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मेघालय की दो लोकसभा सीट है, पहले चरण में यहां पर दो लोकसभा सीटों में से दो लोकसभा सीट पर एनडीए एंड इंडिया अलायंस खत्म है, 0 अदर पार्टी खत्म है, 0-0 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मिजोरम की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए कब्जा हो सकता है, इंडिया अलायंस खत्म है, 0 अदर पार्टी खत्म है, 0-0 सीट। अब तक के ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर पहले चरण की 28 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दे रहे हैं और 25 पर एनडी इंडिया अलायंस का तमें 3 सीट, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। त्रिपुरा राज्य की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 0 अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 0 अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट। जम्मू एंड कश्मीर की एक लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और यहां पर एक ही सीट पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों यहां पर पहले चरण की 30 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं, 28 पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 3 अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लद्दाख की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए का यहां पर कब्जा हो सकता है, इंडिया अलायंस का तमें 0 अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जा सकती है। पौंडीचेरी की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 0 अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सिक्किम राज्य की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 0 अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट। वही बात कर लेते हैं नागालैंड की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 0 अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 19 अप्रैल को 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा और यहां पर 12 में से 12 लोकसभा सीट पर एनडीए का यहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सभी 12 सीट पर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस का तमें 0 अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें, 39 में से 12 पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 20 और इंडिया अलायंस का तमें 20 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी का तमें 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण में वोटिंग होगी और 8 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का कब्जा हो सकता है, इंडिया अलायंस का तमें 0 अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट। लोकसभा की यानी कि पहले चरण की 94 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं, एनडीए का तमें 64, इंडिया अलायंस का तमें 23, अदर पार्टी का तमें 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, 5 में से एनडीए का तमें सभी 5ों की 5ों सीटें। लोकसभा चुनाव की पहले चरण की 102 सीट में से 99 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं, 64 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 23 सीट, अदर पार्टी का तमें 7 लोकसभा सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण में वोटिंग होगी और एनडीए का तमें 1, इंडिया अलायंस का तमें 2, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जा सकती है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 102 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन यानी कि पहले चरण की सभी 102 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, यहां पर जबरदस्त लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी 70 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। 25 सीटों पर इंडिया अलायंस और अदर पार्टी का तमें 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है साल 2024 में पहले चरण में किसे कितनी सीट मिलेगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सियाराम। लोकसभा सीट पर एनडीए कब्जा हो सकता है, इंडिया अलायंस का तमें 0, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट। अब तक के ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो यहां पर पहले चरण की 28 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दे रहे हैं और 25 पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 3 सीट, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। त्रिपुरा राज्य की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 0, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 0, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट। जम्मू एंड कश्मीर की एक लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और यहां पर एक ही सीट पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों यहां पर पहले चरण की 30 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं, 28 पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 3, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लद्दाख की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए का यहां पर कब्जा हो सकता है, इंडिया अलायंस का तमें 0, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जा सकती है। पौंडीचेरी की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 0, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सिक्किम राज्य की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 0, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट। वही बात कर लेते हैं नागालैंड की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस का तमें 0, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी हां दोस्तों, राजस्थान की
19 अप्रैल को 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा और यहां पर 12 में से 12 लोकसभा सीट पर एनडीए का यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सभी 12 सीट पर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस का तमें 0, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जाने की संभावनाएं सताई जा रही है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें 39 में से 12 पर एनडीए, इंडिया अलायंस का तमें 20 और इंडी अलायंस का तमें 20 सीटें जा सकती है। अदर पार्टी का तमें 7 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं सताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण में वोटिंग होगी और 8 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का कब्जा हो सकता है। इंडिया अलायंस का तमें 0, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट। लोकसभा की यानी कि पहले चरण की 94 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं। एनडीए का तमें 64, इंडिया अलायंस का तमें 23, अदर पार्टी का तमें 7 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं सताई जा रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, 5 में से एनडीए का तमें सभी 5ों की 5ों सीटें। लोकसभा चुनाव की पहले चरण की 102 सीट में से 99 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं। 64 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस का तमें 23 सीटें, अदर पार्टी का तमें 7 लोकसभा सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल यानी पहले चरण में वोटिंग होगी और एनडीए का तमें 1, इंडिया अलायंस का तमें 2, अदर पार्टी का तमें 0-0 सीट जा सकती है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 102 लोकसभा सीट का सटीक ओपनिंग यानी कि पहले चरण की सभी 102 सीटों का सटीक ओपनिंग पूरा आपको बता रहे हैं। यहां पर जबरदस्त लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी 70 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। 25 सीटों पर इंडिया अलायंस और अदर पार्टी का तमें 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना सताई जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है साल 2024 में पहले चरण में किसे कितनी सीट मिलेगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एक सन, वंदे मातरम, जय सियाराम।